चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक को हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर क्या प्रोविजन दिया गया है, उस प्रोविजन को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एनालाइज करना है, राइट? चलिए, तो टॉपिक का नाम है बेटा अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो सेक्शंस यहां पे जो है वो बहुत ही भारी वाली चीज है। क्यों भारी वाली चीज है? द रीजन बीइंग कि यहां आपको सेक्शन नंबर 149 से पढ़ना शुरू करना होगा। कहां से बेटा? सेक्शन नंबर 149 से पढ़ना शुरू करना होगा और आपको पढ़ना होगा सेक्शन नंबर 172 तक। अगर मैं डायरेक्टर्स के पूरी कहानी के बारे में बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डायरेक्टर्स के पूरी की पूरी कहानी के बारे में बात करूं तो आपको सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 205 तक पढ़ना होता है, जिसमें कि आपका केएमपी, सीएस, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये सारी बातें उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में जो प्रोविजन आपको दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा वास्ट आपको दिए गए हैं, सबसे ज्यादा डिटेल्ड में आपको दिए गए हैं। गॉट द पॉइंट? बट अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में या फिर उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 149 से लेके 172 तक फॉलो करना होगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। इज दिस पॉइंट क्लियर? और वहीं पे अगर मैं रूल्स के बारे में बात करूं तो आपको यहां रूल फॉलो करना होगा कंपनी का, सेम आपका जो यहां हेडिंग दिया हुआ है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। ये रूल जो आपका होगा ये आपको यहां पे कंप्लाई करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। चलिए, अब सबसे पहले अगर हम यहां बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डायरेक्टर, अगेन बेटा सेम पॉइंट, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हम लॉ में बात करते हैं तो हर एक चीज का लॉ के हिसाब से एक डेफिनेशन दिया गया होगा और एक जनरल मीनिंग जो है वो दिया गया होगा। अगर हम डायरेक्टर के बारे में बात करें तो सीधी सीधी बात है कि जो बंदा कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है उस बंदे को डायरेक्टर कहा जाता है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं, यानी कि स्पेसिफिकली अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के लिए बात करूं, तो सर यहां इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 में, और कहा गया है कि डायरेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा डायरेक्टर जिसको कि कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंट किया गया हो, जिसको कि कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंट किया गया हो उसे कहा जाता है क्या? डायरेक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब सर यहां जैसे ही हमने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 की बात करी तो आगे पीछे के सेक्शंस को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। 35 नहीं याद है, 34 नहीं याद है, फिर नहीं सॉरी 34 डायरेक्टर का हो गया, 33 नहीं याद है, 32 नहीं याद है, 31 डिपॉजिट्स, 30 डिबेंचर्स, बराबर है? कुछ ना कुछ तो याद आपको आ ही जाएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन फिर उसके बाद में हमने यहां पे एक टर्म पढ़ा जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक सवाल आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डिफाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सर सिंपली ये बोला गया है कि आपकी कंपनी के अंदर जो एक इंडिविजुअल बंदा अपॉइंट किया गया होगा जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी में काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस इंडिविजुअल इंसान को कहा जाता है डायरेक्टर। लेकिन उसी चीज को अगर मैं कलेक्टिव बना दूं, यानी कि उन्हीं इंसानों को अगर मैं आपस में एक साथ बुलाने की बात करूं तो उन्हें आप कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 में। जैसे ही सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 की बात करी तो मुझे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 11 भी याद आ गया जो कि बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं डायरेक्टर की पोजिशन की बात करूं तो इसके बारे में तो हमने जब प्रमोशन ऑफ कंपनी की बात करी तभी मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था,
हमने कहा था सर कि प्रमोटर जो होता है वो कंपनी का एजेंट नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कहा था कि प्रमोटर जो है वो प्रपोज्ड कंपनी का एजेंट नहीं होता या प्रपोज्ड कंपनी का ट्रस्टी नहीं होता। लेकिन डायरेक्टर की अगर अपन बात करें तो सर डायरेक्टर तो तभी पैदा होता है जब ऑलरेडी आपकी कंपनी पैदा हो चुकी होती है। अगर आपकी कंपनी का ही इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ होता तो डायरेक्टर कहां से पैदा हो जाएगा? इज दिस पॉइंट क्लियर? इसीलिए यहां क्लियरली बोला गया है कि डायरेक्टर जो है वो ट्रस्टी के तौर पे होता है, डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एजेंट के तौर पे होता है, कंपनी के मेंबर्स के एजेंट के तौर पे होता है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक बात और कह सकते हैं कि डायरेक्टर जो है वो फिड्यूशियरी पोजीशन में होता है, मतलब कि गुड फेथ की पोजीशन में होता है। मतलब ये कि कंपनी का काम संभालने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट संभालने के लिए आपको यहां कंपनी के मेंबर्स ने अपॉइंट किया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी रेम्युनरेशन आपको मिल रहा होगा उस रेम्युनरेशन को लेके आप कंपनी में जो भी काम कर रहे होंगे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ना करते हुए कंपनी एज अ होल के इंटरेस्ट में करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी जो है उसके वेलफेयर में आप ये काम जो है वो करने वाले हैं। एज अ पॉइंट क्लियर? ये आपको यहां बोला गया है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलरेडी कई सारी चीजों की बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायस, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो दी गई अथॉरिटी के बियॉन्ड जाता है तो ऐसे केस में उसको पर्सनली लायबल माना जा सकता है। ये सारी बातें हमने इसीलिए बोली क्योंकि आपका जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी में कंपनी की प्रॉपर्टीज के लिए मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक ट्रस्टी का काम करता है, एक एजेंट का काम करता है, और उसकी जो पोजीशन होती है वो फिड्यूशियरी वाली पोजीशन होती है। मतलब ही इज बाउंड टू एक्ट इन अ गुड फेथ एंड ही शुड नॉट डू एनी वर्क विद मलाफाइड इंटेंशंस। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वाला बात करते हैं, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। सब बोले फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो आपका जो डायरेक्टर है वो फुल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। सर फुल टाइम डायरेक्टर मतलब ऐसा बंदा जो कंपनी को अपना तन मन धन सब कुछ सौंप देता है, एक ऐसा बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के बारे में सोचता है, इसी कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है और इसी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है, उसे आप कहते हैं फुल टाइम डायरेक्टर, या फिर आप इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट? और इसी के अपोजिट एक बंदा होता है जिसका नाम होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। सर यूजुअली ऐसा है कि अगर कोई कंपनी के अंदर एमडी को अपॉइंट किया गया होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर डब्ल्यूटीडी को अपॉइंट किया गया होगा कॉल्ड एज अ होल टाइम डायरेक्टर, तो वो लोग बेसिकली फुल टाइम वाले कहलाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, प्रोफेशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, तो वो लोग बेसिकली कंपनी में आते हैं, अपना ज्ञान जो है वो कंपनी को बांटते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। मतलब ये कि वो फुल टाइम कंपनी के अंदर अपना जो टाइम है वो डिवोट नहीं करते हैं और वो एक साथ कई कंपनीज के डायरेक्टरशिप में रहते हैं। एज दिस पॉइंट क्लियर? उन्हें नाम दिया जाता है पार्ट टाइम डायरेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एज दिस पॉइंट क्लियर? डन। फिर उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो कि है सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1। क्या है नाम? नाम है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सब रे जैसे कि हमने मेंबर्स के बारे में कहा कि अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो कम से कम एक मेंबर होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो कम से कम दो मेंबर होने चाहिए, और अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। सेम ऐसे ही कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने के लिए कंपनी में जो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया? सर बोले कहा गया है कि अगर आपकी कंपनी ओपीसी होती है तो ऐसे केस में मिनिमम आपकी कंपनी में एक डायरेक्टर होना जरूरी है। सर सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो उस कंपनी का जो काम होगा यूजुअली वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा, तो अगर एक बंदा भी कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेज करे तो सफिशिएंट होगा, इसीलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो एक की ही रखी गई। फिर उसके बाद में
अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्राइवेट कंपनी, तो कहा गया है कि मिनिमम दो होने चाहिए, और अगर मैं बात करता हूं अबाउट द पब्लिक कंपनी तो कहा गया है कि मिनिमम तीन होने चाहिए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो बेटा तीनों ही केसेस में कहा गया है कि मैक्सिमम किसी भी कंपनी के अंदर, फिर चाहे वो ओपीसी रहे, प्राइवेट रहे या पब्लिक रहे, 15 डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में हो सकते हैं। हालांकि अगर आप इससे भी ज्यादा डायरेक्टर्स रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो पास करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेंगे। फिर उसके बाद बेटा अगला एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विमेन डायरेक्टर। अगेन वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 का जो सेकंड प्रोविजो आपका दिया गया है, पहला प्रोविजो बात करता है अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड प्रोविजो जो है वो बात करता है अबाउट अ डायरेक्टर विच इज कॉल्ड एज वुमेन डायरेक्टर। सर ये ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि यहां जो वुमेन डायरेक्टर है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ये बेसिकली एक पोस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन ही अपॉइंट होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर किसी कंपनी को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है, इसका मतलब यह हुआ कि उस पोस्ट के ऊपर एक लेडी जो है वो अपॉइंटेड होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो सर क्या वुमेन डायरेक्टर हर किसी कंपनी में अपॉइंट करना जरूरी है क्या? आंसर आता है नहीं, हर कंपनी में तो नहीं, बट अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी होगी, कौन सी कंपनी बेटा आपकी? लिस्टेड वाली कंपनी है, और या फिर आपकी जो कंपनी है वो कोई और पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही काउंट हो जाएंगे। अगर आपकी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का होता है, और या फिर आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का होता है, तो ऐसे केस में कहा गया है कि आपकी कंपनी के अंदर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमने कहा कि अगर आप कंपनी की बात करें तो आपकी जो कंपनी है सबसे पहली बात हो सकती है कि प्राइवेट हो। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन दूसरा हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी हो। अगर पब्लिक कंपनी है तो इसमें पहला सवाल कि क्या आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है क्या? अगर आपने कहा हां तो कितना भी पेड अप कैपिटल हो, कितना भी टर्नओवर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सीधा बोल देंगे कि आपकी कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर कम से कम होनी जरूरी है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर हम यहां बात करते हैं अबाउट द कंपनी विच इज अनलिस्टेड कंपनी, अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बात करूं तो यहां दो बातें कही गई है। बोले क्या कि सर अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹100 करोड़ बराबर है, और दूसरा कहा गया है कि और इफ टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹300 करोड़ बराबर है, तो ऐसे केस में भी कहा गया है कि आपकी कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। फिर इसके अपोजिट अगर मैं कहूं कि आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन कितना ₹100 करोड़, और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एंड अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर जो है इट इज लेस देन ₹300 करोड़, तो अगेन हम कह सकते हैं दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटिंग द वुमेन डायरेक्टर। सर ये बात तो आपने पहले ही पढ़ के बता दी थी, अभी वापस से ऐसा चार्ट बना के क्यों बताया? इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट ने गलती कर दी। एग्जाम के अंदर क्या बोलेंगे, अमाउंट वगैरह सब कुछ सही लिखा, बट एक गलती कर दी जिसकी वजह से जीरो मार्क्स मिले। बोले क्या? गलती ये कर दी कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। तो भाई साहब ने वहां लिख के आया, सॉरी बहन जी थी, उन्होंने वहां लिख के आया कि अ कंपनी विच इज अ लिस्टेड कंपनी एंड अ कंपनी
which is a public company, public unlisted company, but having a paid up share capital of rupees. Is 100 crore and turnover of rupees 300 crore shall appoint a woman director. Gai bhains paani mein. Are you getting the point? Ek chota sa word and ya fir or bahut important hai. Sir, kya baat karo? Itna important hai kya? Haan beta. Agar BCom ka exam de rahe hote to main keh sakta tha ki itna important nahi hai. Lekin agar aap professional exam de rahe hain, CA CS ke exam de rahe hain, to silly mistakes bahut zyada important hai. क्योंकि आपकी करी हुई एक छोटी सी सिली मिस्टेक आपकी और कंपनी की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर सकती है. गॉट इट? और आईसीएसआई का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक बेहतरीन सीएस बनाया जाए, एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनाया जाए जिसमें छोटी सी सिली मिस्टेक की भी कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप अच्छे से पास होना चाहते हैं तो. गॉट इट? तो ये पॉइंट को बेटा आप यहां पर अच्छे से दिमाग में रखेंगे. फिर उसके बाद यह कहा गया कि अगर आप इंटरमिटेंट वैकेंसी के बारे में बात करें, सा मतलब हो सकता है कि वुमेन डायरेक्टर जो थी उनकी डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गई, या वो लुनेटिक हो गई, और या फिर वो बोली मेरी शादी हो गई. मैक्सिमम केसेस में यही वाला काम होता है कि शादी हो गई है, अब मुझे अपने ससुराल जाना है जो कि दूसरे शहर में है, तो मैं कंपनी छोड़ के जाना चाहती हूं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है. राइट? तो ऐसे केस में अगर ये जो वुमेन डायरेक्टर का पोस्ट खाली हो जाता है, तो मैंने आपसे कहा कि इस वुमेन डायरेक्टर के पोस्ट पे आप किसी मेन को नहीं रख सकते, आपको किसको रखना होगा? वुमेन को ही रखना होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो कहा गया है कि जो अगली बंदी को अपॉइंट किया जाएगा उसका जो अपॉइंटमेंट है वो होना चाहिए इनटू द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months, विच एवर इज लेटर. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये बात को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे. अगला पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है. क्या कहता है? सब बोले अगर हम बात करते हैं अबाउट अ डायरेक्टर जो कि कहलाता है आपका रेसिडेंट डायरेक्टर. बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, यहां सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 3 आपसे कहता है कि आपकी जो कंपनी है, कंपनी मतलब सर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी जिसको हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के हिसाब से कंपनी कहते होंगे. दैट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फॉरेन कंपनी और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. गॉट द पॉइंट? तो कहा गया है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, जरा सोच के देखिए कि उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे आउट ऑफ इंडिया के हैं, चलेगा क्या? या फिर ऐसे लोग हैं जो इंडिया में कम रिसाइड करते हैं, इंडिया के बाहर ज्यादा रिसाइड करते हैं. सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहा है वो बंदा इस कंपनी के डेवलपमेंट की बात क्या करेगा? मतलब अरे भैया उस बंदे के पास में टाइम कहां है कि वो इस कंपनी को टाइम दे सके. हमारी ये कंपनी जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है और आप साल भर इंडिया के बाहर पड़े रहते हो. गॉट द पॉइंट? तो सर सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 3 आपसे कहता है कि कम से कम एक बंदा, सर 2 डायरेक्टर्स में से, 3 डायरेक्टर्स में से, या 15 डायरेक्टर्स में से, एज द केस में भी, कम से कम एक बंदा कंपनी में ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे इंडिया का ही रेसिडेंट हो. गॉट द पॉइंट? एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. इज दिस पॉइंट क्लियर? डन. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड. मतलब सब बोले अगर आप सिंपली ये बात कर रहे होंगे कि हमारी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो पहले कभी तो भी हो चुका है, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहे हैं, इस साल की बात कर रहे हैं, तो 18-19 वाले साल में वो बंदा 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए कम से कम. हाउएवर मान लीजिए कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 15-16 में हुआ था, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 15-16 के अक्टूबर वाले महीने में हुआ था, तो सर अगर मैं 15-16 का अक्टूबर वाले महीने से लेके
31st ऑफ मार्च तक की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि साल तो यहां पे पूरा हो ही नहीं रहा है, तो 182 डेज पूरे काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पे ये जो काउंटिंग है वो करनी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 से लेके सबसेक्शन 13 तक बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो सब का सब एक ही चीज के बारे में बात करता है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं और समझते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर ऐसा बंदा जो कि कंपनी में किसी भी तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन में या किसी भी नॉन ट्रांजेक्शन व्हाटएवर किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। सर अगर मैं कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बात करूं, कंपनी के एमडी की बात करूं, कंपनी के डब्ल्यूटीडी की बात करूं या कंपनी के अदर डायरेक्टर्स के बारे में बात करूं, तो सर ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी में शेयर्स परचेज कर ले। बराबर है? अब सीधी सीधी बात यह है कि अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर कंपनी में शेयर्स परचेज करता है तो मैं कह सकता हूं कि दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन टू द कंपनी। एज सिंपल एज दैट, दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन टू द कंपनी। और जहां पे किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट क्रिएट हो जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड होना लाजमी है। गॉट इट? तो यहां कहा गया कि सर आपकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा होगा या जब भी किसी टॉपिक पे बोर्ड मीटिंग हो रही होगी या जब भी किसी टॉपिक पे रेजोल्यूशन पास करना होगा तो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन उस चीज के ऊपर दे सके। एंड सर अगर कोई बंदा अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा तो इस बात को एश्योर किया जा सकेगा कि कंपनी में जो भी रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है या जो भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो कंपनी एज अ होल में सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसीलिए यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले टॉपिक की बात करूं तो अभी फिलहाल दिसंबर 18 के अटेम्प्ट के लिए और इसके आने वाले जितने भी अटेम्प्ट्स आपके होंगे उसके लिए आपको अमेंडमेंट यहां पे बहुत सारे दुनिया भर के प्रोवाइड किए गए हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, तो ये टॉपिक पे हम स्पेसिफिकली बाद में दोबारा बात करेंगे, रीजन बीइंग कि मैंने इसके लिए अलग से एक चैप्टर आपका बनाया हुआ है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझते हैं कि कौन सी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है और कितना। तो ध्यान से सुनिए, कहा गया है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो एक लिस्टेड वाली कंपनी होती है तो ऐसे केस में जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जस्ट अ सेकेंड, जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनमें से वर्ड यूज किया गया है बेटा एटलीस्ट 1/3, कम से कम 1/3 जो है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। बेटा इसका मतलब सिंपल सिंपल ये हुआ कि अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी जो कंपनी है वो आपकी हो सकती है दो टाइप की, एक होती है जिसे आप कहते हैं प्राइवेट कंपनी और दूसरी आपकी होती है जिसे आप कहते हैं पब्लिक कंपनी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो सीधा बोल दीजिए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, उस कंपनी के आर्टिकल में जैसा लिखा होगा उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो हमने कहा कि आपकी पब्लिक कंपनी दो टाइप की हो सकती है, पहली जिसे आप कहेंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसकी अगर मैं बात करूं तो कहा गया है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब, और वहीं पे अगर मैं लिस्टेड वाली कंपनी के बारे में बात करूं तो इसके बारे में कहा गया है कि एटलीस्ट 1/3
ऑफ टोटल शैल बी इंडिपेंडेंट। अब बेटा एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, अगर मैं लिटरल सेंस में यहां पे बात करूं तो बेटा वापस से वर्ड लिखा हुआ है एट लीस्ट वन थर्ड, बराबर है सर। एट लीस्ट वन थर्ड का मतलब यह है कि वन डिवाइड बाय थ्री इंटू थ्री का आंसर आएगा एक, लेकिन वन डिवाइड बाय थ्री इंटू फोर अगर मैं करने जाऊं तो आपका आंसर आएगा 1.33। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे अगर सीधा सीधा वन आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर यहां पे पॉइंट आता है 1.33, कितना है बेटा 1.33, तो यहां पे आप नियरेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि इसको दो करना होगा। सर दो क्यों करना होगा? क्योंकि लॉ कहता है एटलीस्ट वन थर्ड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है बेटा? 1.33, अरे कम से कम 1.33 तो होना ही चाहिए ना। अगर 1.33 कम से कम होना चाहिए तो ऐसा तो नहीं कि किसी की गर्दन काट के लेके आ जाओ, नंबर आपको आगे ही बढ़ाना पड़ेगा, दो पे लेके जाना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? कुछ लोग कहते हैं कि नियरेस्ट नंबर पे चले जाओ, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं सेक्शन के हिसाब से लिटरल वे में बात करने की बात करूं तो कहा गया है कि कम से कम वन थर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर रहा तो और अच्छी बात है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। सेक्शन नंबर 151 जो है वो इस चीज के बारे में बात करता है और कहता है कि हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है सर? क्योंकि यहां देखिए वर्ड लिखा हुआ है मे, अगर चाहो तो। कौन चाहे तो? कंपनी अगर चाहे तो। कौन सी कंपनी सर? बोले लिस्टेड वाली कंपनी, बराबर। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड वाली नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो कॉमन सेंस वाली बात यह है कि आपकी जो कंपनी होगी उसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, बराबर है। तो उस कंपनी में अगर आपको स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। लेकिन अगर मैं लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करूं तो उसमें भी कहा गया है दैट यू हैव एन ऑप्शन, यू मे, लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट किया जा सकता है बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच मैनर एंड सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप कहीं की भी बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी भी एसोसिएशन की बात करते हैं, या कोई स्कूल लगा लो, कॉलेज लगा लो, नॉर्मल सोसाइटी लगा लो, कहीं की भी बात कर लो, हमेशा हमें एक बात समझने को मिलती है कि जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखने में आता है, बराबर है। तो सर ऐसे केस में एक सवाल ये आता है कि अगर कंपनी में जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, क्वेश्चन आया सर स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या? मतलब जिनके पास जो शेयर्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू है टोटल एग्रीगेट मिला के वो 20,000 रुपए से ज्यादा की नहीं। मान लो मेरे पास में रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं और मेरे पास 2,000 रुपए के शेयर्स हैं, तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर कहलाऊंगा किसमें? रिलायंस कंपनी, बराबर है। तो ऐसा कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू, क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास में एमआरएफ कंपनी के टायर्स है, एमआरएफ कंपनी के एक टायर का फेस वैल्यू 1 रुपया है, बट उसी शेयर का मार्केट वैल्यू 70,000 रुपया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं कभी स्मॉल शेयर होल्डर कहलाऊंगा ही नहीं फिर। एमआरएफ कंपनी में कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 रुपए की है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां बात जो की गई है वो फेस वैल्यू से की गई है और कहा गया है कि अगर किसी कंपनी के जो शेयर्स मेरे पास में है इन टोटल उनकी जो फेस वैल्यू है टोटल मिला के वो 20,000 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए तो मुझे कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर। एंड कहा गया है कि मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे कंपनी में और भी लोग होंगे जिनके पास 20,000 रुपए या उससे कम की फेस वैल्यू के शेयर्स होंगे, तो हम लोग आपस में इकट्ठा होके कंपनी के मैनेजमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कम से कम एक ऐसा बंदा आपके मैनेजमेंट में अपॉइंट करो जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, जो हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोच के चले। गॉट द पॉइंट? तो क्वेश्चन आता है सर एक मिनट,
मान लीजिए कि इस पूरी कंपनी के अंदर इकलौते आप ऐसे बंदे हैं जो कि स्मॉल शेयरहोल्डर है, बराबर है, या फिर शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं छोटे वाले, बट एप्लीकेशन सिर्फ आप देना चाहते हैं क्योंकि आपका ही दिमाग खुरापाती वाला है, आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया तो आपने सोचा कि चलो करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, बाकी स्मॉल शेयरहोल्डर हैं वो कुछ नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन सिर्फ आपने दिया तो चलेगा या कितने लोगों का एप्लीकेशन यहां पे आना चाहिए? तो बहुत ध्यान से सुनो बेटा, सिंपली यहां ये बोला गया है कि कम से कम 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। कम से कम कितने बेटा? 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। बट सर एक मिनट, हमारी जो कंपनी है उसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स कुल मिला के 50 है। कितने है? सिर्फ 50 है, बराबर है। हमारे पूरे के पूरे स्मॉल शेयर होल्डर मिला के 100 है ही नहीं। तो कहा गया है और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। गॉट द पॉइंट? सर ये दोनों बातें यहां पे क्यों बोली गई है? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं बड़ी कंपनी के बारे में, एग्जाम्पल अगर आप बात करने वाले हैं रिलायंस कंपनी के बारे में, मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10,000 उससे भी ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं। अगर मैं 10,000 का 1/10 निकालने की बात करता हूं या 10% निकालने की बात करता हूं तो 1,000 आता है। कहां से मैं 1,000 लोगों को इकट्ठा करूंगा भाई, समझ में? तो ऐसे केस में कहा गया कि 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स भी आ गए ना तो भी चलेगा, लेकिन वहीं पे पॉसिबल है कि स्मॉल कंपनी हो, अगर कंपनी छोटी होती है कोई भी छोटी मोटी कंपनी तो उसमें हो सकता है कि शेयर होल्डर्स 150 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो या 1,000 हो। अगर 1,000 है और इसका मैं 1/10 करने की बात करूं तो 100 आता है एग्जैक्टली, लेकिन अगर 500 ही है और इसका 10% निकालने की बात को तो 50 ही आता है, यानी कि 100 लोग तो हो ही नहीं पाएंगे। तो कहा गया है 100 या 1/10 विच एवर इज लोअर। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो वो लोग अगर कंपनी के पास अप्लाई करते हैं, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर कम से कम मैनेजमेंट में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, तो उसे आप यहां नाम देंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। गॉट द पॉइंट? डन। देख लेते हैं एक बार वापस से कंडीशन क्या क्या है कि 100 या 1,000, सॉरी 1,000 नॉट 100, माय मिस्टेक, इट शुड बी एटलीस्ट 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, डन। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि 1,000 या 1/10 क्यों बोला गया है। इसीलिए बोला गया है, द रीजन बीइंग कि अगर बड़ी कंपनी है तो परसेंटेज जो है वो आपका ज्यादा आएगा और अगर छोटी कंपनी है तो परसेंटेज जो है वो आपका कम आएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन देना होगा, मतलब नोटिस देना होगा। तो बोले सर ये नोटिस कब देंगे? तो कहा गया है कि जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होने वाली होगी उसके कम से कम 14 डेज पहले ये नोटिस दिया जाएगा, एटलीस्ट 14 डेज पहले। ध्यान से सुनो बेटा, कंपनी का मैनेजमेंट अगर कोई जनरल मीटिंग को कॉल करने की बात करता है तो कंपनी के मैनेजमेंट को हमने कल कहा था कि आपको कम से कम क्लियर 21 डेज पहले नोटिस देना होगा, याद आया? अब पॉइंट यह है कि मैनेजमेंट ने 21 डेज पहले कंपनी के मेंबर्स को नोटिस दिया होगा, मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी नोटिस मिला होगा, एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स के दिमाग में यह पॉइंट होगा कि अरे हमें तो एक डायरेक्टर अपॉइंट करवाना था जो कि हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, तो वो एक काम करते हैं हम भी कंपनी के मैनेजमेंट को नोटिस देते हैं और कहते हैं कि बाकी सारे मेंबर्स को बोलो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम एक बंदा होना चाहिए, बराबर है। तो आप जो ये नोटिस देने की बात कर रहे हैं ये आपको सफिशिएंट टाइम पहले देना चाहिए, इसीलिए बोला गया कि कम से कम 14 डेज पहले आपको ये नोटिस देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद द नोटिस शैल बी अकंपेन्ड बाय अ स्टेटमेंट साइंड बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर।
स्टेटिंग, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको बतानी पड़ेगी, उसको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हूं और मैं विलिंगनेस भी रखता हूं, मेरा कंसेंट भी है कि मैं इनका डायरेक्टर बनने को तैयार हूं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बाकी उतना उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज यहां पे ये, किससे बोले, अगर कोई बंदा है जिसको आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं और अगर वो बंदा सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको भी अगर वो कंप्लाई करता होगा तो उस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर भी अपॉइंट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम उस बंदे के टेन्योर की बात करें तो कहा गया है कि उसका मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 3 साल का होना चाहिए और फिर कहा गया है कि उस बंदे को रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए लायबल नहीं करना है, एज वेल एज ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। वो बंदा जो होगा वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए सेक्शन 164 के हिसाब से, एंड उसके अलावा उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहता है तो, नहीं सॉरी, अगर कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं तो, एंड डिस्क्वालिफाइड अगर वो बंदा होता है तो, सेक्शन 167 के हिसाब से अगर उसको वैकेट करना होता है तो, और या फिर अगर वो 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, क्या बोले, साइमल्टेनियसली, मतलब जब वो बंदा ऑलरेडी एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, साइमल्टेनियसली ही शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ सेम पोस्ट, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इन मोर देन 2 कंपनीज। इसका मतलब यह हुआ कि एक साथ अगर एक बंदा 2 अलग अलग कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पोस्ट पर रहना चाहे तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इफ सेकेंड कंपनी इज इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस और इज इन कंफ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी, देन ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन द सेकेंड कंपनी। मतलब यह हुआ कि आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी सेकेंड कंपनी के अंदर आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट होना चाहते हैं उस कंपनी का जो बिजनेस है आपकी पहली कंपनी के बिजनेस से कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। और फिर उसके बाद कहता है कि ही शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट बी अपॉइंटेड, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होना चाहिए, और यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड इन अदर कैपेसिटी विथ द कंपनी फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 3 साल का आपका टेन्योर था, उसके बाद आपको स्मॉल शेयर होल्डर के पोस्ट से हटा दिया गया, तो उसके बाद कहा गया है कि कंपनी में आप किसी भी पोस्ट पे अगले 3 साल तक रहने वाले नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये पॉइंट अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा बेटा वापस से एक बार। हम बेसिकली यहां बात कर रहे थे अबाउट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ा, 1 पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कहा कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका होता है जिसे आप कहते हैं फुल टाइम डायरेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, और दूसरा पार्ट टाइम डायरेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये कहा कि फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो हमने कहा कि हमारी कंपनी में अलग अलग डायरेक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी अबाउट वुमेन डायरेक्टर। अगर मैं वुमेन डायरेक्टर के बारे में बात करूं तो सिंपली सेकेंड प्रोविजो
टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 आपको जो दिया गया है उसमें वुमेन डायरेक्टर के बारे में पॉइंट कहा गया है और क्या कहा गया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद में हमने बात करी अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 3 आपसे कुछ कहता है और बेसिकली इसने ये कहा कि कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि दिए गए फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में ही रहे। हालांकि अमेंडमेंट के हिसाब से आज फाइनेंशियल ईयर किया गया है, पहले यही कैलेंडर ईयर हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहां पे बात करते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर के बाद में अगला जो डायरेक्टर है जिसका नाम था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर हम इस डायरेक्टर के बारे में बात करें तो कहा गया है कि ऐसा बंदा जो कि कंपनी में किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, उस बंदे का कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं आता या उसका कोई रिलेशन किसी के साथ में नहीं है, राइट, या फिर सिंपली बोल देते हैं अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 में हम कंडीशंस पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडिपेंडेंस, बात करेंगे उसके आगे चल के। और आपको यहां पे सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 से लेके 13 आपका जो है वो बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में और कहता है कि आपकी कंपनी में अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करूं, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो कहा गया है कि कम से कम यानी कि एटलीस्ट 1/3 जो है किसका ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहां बात करते हैं अगले डायरेक्टर के बारे में जिसका नाम है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसके लिए सेक्शन आपको जो दिया गया है वो है आपका 151 और कहता है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी है, बराबर है, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर आपके जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो नोटिस दे सकते हैं कंपनी को कि एक बंदे को अपॉइंट किया जाए जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहां पे अगर मैं नोटिस देने की बात करूं तो नोटिस देने के लिए कहा गया है दैट इट शुड बी बाय एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जिस भी डायरेक्टर को प्रपोज किया जा रहा है जिसका नाम क्या होगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिस भी डायरेक्टर को यहां अपॉइंट करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है, इसके बारे में कहा गया है सबसे पहली बात कि सर ये जो आपका बंदा रहेगा इसका जो टेन्योर होगा ये आपका मैक्सिमम हो सकता है 3 साल का, और इसके 3 साल के टेन्योर के बाद में जो इसका कूलिंग पीरियड होगा वो भी आपका रहेगा 3 साल का। और यह भी कहा गया कि आप अगर चाहें तो इसी बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर ये सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6 की कंडीशंस को कंप्लाई करता हो। दूसरी बात यह कि जो नोटिस आपको यहां देना है, ये नोटिस आपको देना होगा कंपनी को कम से कम 14 डेज बिफोर, बराबर है, कम से कम मीटिंग के 14 दिन पहले आपको ये नोटिस जो है वो आपको देना होगा कंपनी को। ये समझ में आया? डन, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी बात यहां पे की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।